नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। सुप्रीम कोर्ट अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद के सर्वमान्य समाधान के लिए इसे मध्यस्थता पैनल को सौंपने के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने आदेश में साफ कर दिया कि अयोध्या विवाद में मध्यस्थता होगी। मध्यस्थता प्रक्रिया फैजाबाद में आयोजित की जाएगी। इसकी अध्यक्षता जस्टिस FM कलीफुल्ला करेंगे और इसमें श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राम पंचू भी शामिल होंगे। इससे पहले भी अयोध्या मामले में इससे 4 बार मध्यस्थता के प्रयास किए गए, लेकिन असफल रहे। अयोध्या विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता का रास्ता अपनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने शुक्रवार को राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमीन विवाद के सर्वमान्य समाधान के लिए बड़ा फैसला लिया। ऐसे में साफ है कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मामले को कोर्ट से बाहर सुलझाने की कोशिश की जाएगी। SC ने इस बाबत 3 सदस्यीय पैनल भी गठित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस FM कलीफुल्ला इस पैनल के चेयरमैन होंगे। समिति के अन्य मध्यस्थों में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्री राम पंचू शामिल हैं। खास बात यह है कि मध्यस्थता के जरिए मामले को सुलझाने की प्रक्रिया 4 हफ्ते में शुरू हो जाएगी और 8 हफ्ते में पूरी हो जाएगी। हालांकि माना जा रहा है कि इस संबंध में कार्यवाही 1 हफ्ते में ही शुरू हो सकती है। और इसी के साथ देखें पल पल की यह खास रिपोर्ट। एक पूरी सदी से ज्यादा वक्त गुजरने के बावजूद अयोध्या विवाद एक ऐसा मसला है जो फिलहाल सुलझता दिखाई नहीं दे रहा है। हिंदुओं के पक्ष के मुताबिक राम जन्मभूमि पर 1528 में मस्जिद बनाई गई। अयोध्या में 1853 में ऐसा पहली बार हुआ जब अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर सांप्रदायिक दंगे हुए। कुछ सालों बाद 1859 में इस विवाद को सुलझाने के लिए तत्कालीन शासक ने विवादित जगह को चारों तरफ से घेर दिया और स्थल को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिसके बाद दोनों समुदाय परिसर में इबादत और पूजा करने लगे। पहली बार 1885 में ये मामला अदालत में पहुंचा। महंत रघुबरदास ने याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने मांग की कि यहाँ मंदिर बनाने की अनुमति दी जाए, लेकिन तत्कालीन जज ने इसे खारिज कर दिया। राम मंदिर विवाद में अहम मोड़ 23 दिसंबर 1949 को आया और इसके बाद से विवाद गहरा होता चला गया। मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्तियां मिलने पर हिंदुओं में मंदिर बनाने की इच्छा प्रबल हुई। हिंदुओं का मानना था कि भगवान राम वहां प्रकट हुए हैं, जबकि मुस्लिमों का कहना था कि छिपकर ये मूर्तियां वहां रख दी गईं। अयोध्या को राम की जन्मभूमि मानी जाती है। अयोध्या में भी सिर्फ एक जगह है जिसको सहस्राब्दियों से जन्मभूमि माना जाता है, वहाँ मंदिर बनते रहे हैं, इसके प्रमाण बहुत हैं। पुरातत्व के तो प्रमाण ही हैं, अभिलेखों के प्रमाण 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू हो जाते हैं, गुप्त काल से शुरू हो जाते हैं। अब बहुत फेमस है रीवा का अभिलेख है, वो बहुत फेमस है। और एक्चुअली कोई भी स्ट्रक्चर हमेशा के लिए नहीं होता, वो गिरता है, रिपेयर होता है, बनाया जाता है, पुनर्निर्माण होता है। कोई आप मकान बनाइए तो ऐसा नहीं है कि वो 1000 साल चलेगा। इसी तरह से क्या होता है कि जब बाबरी मस्जिद के बारे में वहाँ लिखा हुआ था, बाबरी मस्जिद का जो इंस्क्रिप्शन था कि इस जगह पे तामीर करवाई गई ये मस्जिद मीर बाकी द्वारा, लेकिन जब मस्जिद तोड़ी गई तो वहीं से एक अभिलेख निकला जो 11वीं शताब्दी का है, जिस गढ़वालों के राजाओं का, गढ़वाल के राजा ने वो मंदिर बहुत भव्य मंदिर बनाया। और उसमें ये भी लिखा है उसी में कि पश्चिम से यवनों का और तुर्कों का आक्रमण देश के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। अब वो इंस्क्रिप्शन 11वीं शताब्दी का है, कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आप 11वीं शताब्दी कोई ले जाके बना लेंगे। उससे ये बड़ा साफ साबित होता है कि मंदिर था वहाँ पे। जैसे जैसे ये विवाद बढ़ता गया, वैसे वैसे सभी पक्ष अपनी तरफ से इसे पाने की कोशिश में जुट गए। विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद के ताले खोलने और एक विशाल मंदिर के निर्माण के लिए अभियान शुरू किया। इसके लिए बाकायदा एक समिति का गठन किया गया। इसके बाद 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दी। कोर्ट के आदेश पर ताले दोबारा खोले गए। इससे नाराज मुस्लिमों ने विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया,
जून 1989 में बीजेपी ने विश्व हिंदू परिषद को औपचारिक समर्थन देना शुरू करके मंदिर आंदोलन को एक नया मोड़ दे दिया। वहीं 9 नवंबर 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने बाबरी मस्जिद के नजदीक शिलान्यास की इजाजत दे दी। इसके बाद 25 सितंबर 1990 को बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। अक्टूबर 1991 में उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह सरकार ने बाबरी मस्जिद के आसपास की 2.77 एकड़ भूमि अपने अधिकार में ले ली। 6 दिसंबर 1992 को बीजेपी, वीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया, जिसके बाद पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव अपने चरम पर पहुंच गया।